अल्लाह ताला को आप एट्रीब्यूट करते जाएं कि यार ये चीज मुझे अल्लाह ने दी है, ये चीज भी मुझे अल्लाह ने दी है, मुझे कल भी अल्लाह ने कामयाब किया था, मेरा ये काम इसलिए चल गया था क्योंकि अल्लाह ने मेरी मदद की थी। यानी इंसान अपने दिल को ये बार बार मैसेज देते रहे कि अल्लाह ने मेरी मदद की है, अल्लाह ने मेरी हेल्प की है, अल्लाह ने मेरे लिए वसाइल क्रिएट किए, अल्लाह ने मेरे लिए मंजिल को आसान किया। अब आप किसी रास्ते में ट्रैवल करते हुए आए हैं और आप थके नहीं, आप क्या कहें? अल्लाह ने मेरे लिए रास्ता आज क्या कर दिया? आसान कर दिया। आज छोटा अल्लाह कर सकता है। हदीस में आता है वो जो 99 कत्ल वाला था, वो जा रहा था जब तौबा करने के लिए, उसको जब कहा गया था तुम नेकोकारों की बस्ती में चले जाओ, वहां जाके तौबा करो, अल्लाह कबूल कर लेगा। और रस्ते में जब वो जा रहा था तो वो रस्ते के अंदर उसको मौत आ गई। अब फरिश्ते जो हैं वो जन्नत के और जहन्नम के दोनों उतर रहे हैं कि भाई हम तो इसको जन्नत में लेके जाएंगे, तौबा करने जा रहा था, और दूसरे जो हैं वो जहन्नम की तरफ ले जाना चाह रहे थे कि भाई तौबा की तो नहीं है इसने, 100 कदल किए। अल्लाह ने कहा कि वहां जमीन नापो, जिस बस्ती से ज्यादा करीब है उस पर हुक्म लग जाएगा। वैसा वो जहन्नम वो बुरी बस्ती से करीब था, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया सुकड़ जाओ। रस्ते अल्लाह छोटे कर सकता है, लेकिन अगर आज मैं ट्रैवल कर रहा हूं और मैं नहीं थका, क्यों? इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ माई रिसोर्स। अल्लाह को एट्रीब्यूट करते जाए। अगर आज मैं सेहत याब हूं, इसलिए नहीं है बिकॉज मैंने अपने आप को ठीक रखा है, अल्लाह ने मुझे शिफा दी थी। यानी ये जब बिल्ड होता रहेगा, अल्लाह को एट्रीब्यूट होता रहेगा, एक वक्त आएगा कि इंसान कहेगा ये हो ही नहीं सकता। बोले भाई क्यों नहीं हो सकता? मुझे यकीन है, मुझे अल्लाह यहां छोड़ेगा ही नहीं, मुझे यकीन है। बोले भाई कैसे गारंटी ले ली तुमने लाइफ के अंदर कि मुझे ये मसला भी नहीं होगा या ये काम मेरा हो जाएगा? मुझे यकीन है, जिस तरह के सूरज निकला हुआ है और मुझे यकीन है, उसी तरह मुझे यकीन है कि ये काम मेरा हो जाएगा।